शिवरात्रि पर्व आ रहा है, भगवान शिव की उपासना के लिए नाना प्रकार के उपाय, जप तप अभिषेक रुद्राभिषेक यज्ञ हवन इत्यादि कर्म हमारे सनातनी भाई बहन करेंगे, किंतु हमारी छोटी सी चूक हमारे सारे किए कराए पर पानी फेंक देती है। आपके क्या कारण है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे मनोवर सिद्ध नहीं होते, संकल्पों की सिद्धि नहीं होती? कारण हमारी चूक जो हम अनजाने में करते हैं। सनातन बंधुओं, अभिषेक रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म करते हुए ध्यान रहे कि आपका बायां हाथ शिवलिंग को स्पर्श न करे। आप अपने मानवीय जीवन में भोजन ग्रहण करते समय बाएं हाथ से भोजन की थाली भोजन नहीं स्पर्श करते हैं, तो आखिर उस परम सत्ता को आप बाएं हाथ से क्यों स्पर्श कर रहे हैं? आवश्यक है कि बाएं हाथ से शिवलिंग का स्पर्श कतई न करें। स्पर्श करने मात्र से ही हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान शिव की उपासना करते समय सदैव दाहिने हाथ का ही प्रयोग करें। शहद, दही, चंदन, मक्खन लगाते समय आप बाएं हाथ का प्रयोग कतई न करें। बाएं हाथ से आप शहद जल जैसे आपको शिवलिंग स्पर्श करना तो दाहिने हाथ से स्पर्श करें। बाएं हाथ से शिवलिंग का स्पर्श भूल कर भी ना करें, इससे आपके मनोरथों की सिद्धि नहीं होगी, आपके सारे किए कराए नष्ट हो जाएंगे।